कल दोस्तों मेरा गणित का एग्जाम है, इसके लिए दोस्तों मैंने ज्योमेट्री बॉक्स लेके आता हूँ। चलो दोस्तों तैयारी करना शुरू करते हैं। काफी देर तक मैं सवालों को हल करता हूँ, तभी अचानक से घंटी बजती है। मुझे लगता है दरवाजे पर कोई आया, फटाफट से दरवाजा खोलने जाता हूँ। तभी वापस आके देखता हूँ तो मुझे दोस्तों मेरा ज्योमेट्री बॉक्स नहीं मिलता। लगता है किसी ने हमारा ज्योमेट्री बॉक्स चुरा लिया। तभी मैं रजिस्टर को उठा के देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे एक नक्शा मिलता है। लगता है मुझे चोर ने हमारे लिए एक नक्शा छुड़ा जिसके अंदर हम दोस्तों हमारा ज्योमेट्री बॉक्स ढूंढ सकते हैं। चलो चलते हैं ज्योमेट्री बॉक्स तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले एक चरखी ढूंढनी, उसके बाद दोस्तों रंगीन पतंग ढूंढनी, उसके बाद दोस्तों हमें पेड़ के नीचे हमारा ज्योमेट्री बॉक्स मिल सकता है। चलो चलना शुरू करते हैं। अगर आप भी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा वोट किस सब्जेक्ट को मिलते हैं। रास्ते में एक बच्चा मिलता है जो कि पतंग और चरखी के लिए रो रहा होता है। तो दोस्तों हमें भी पतंग और चरखी मिलने वाली है, तो दोस्तों पतंग और चरखी हम इस बच्चे को दे देंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से हमें एक चरखी दिखाई देती है, तो दोस्तों नक्शा बनी चरखी हमें मिल जाती है, वो इस बच्चे को दे देते। वहां से थोड़ी दूर और चलने के बाद दोस्तों एक पेड़ में हमें एक पतंग मिलती है, तो दोस्तों नक्शा बनी हुई पतंग हमें मिल चुकी है। मैं इस पतंग को इस बच्चे को दे देता हूँ। बच्चा तो पतंग मिलते पतली गली से निकल जाता है, तो हम भी वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पत्थर के अंदर मेरा पेड़ अटक जाता है। तभी गिरते मुझे अचानक से एक पेड़ के नीचे एक ज्योमेट्री बॉक्स दिखता है, तो दोस्तों नक्शा बनी ज्योमेट्री बॉक्स हमें मिल जाती है। अब तो गणित में 100 नंबर लेके ही आऊंगा।